हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई 2.0, जी हां 2.0, जिन लोगों ने एग्जाम दिया था और वो फेल कर गए थे उनके लिए ही ये वीडियो है और ये बहुत अर्जेंट नोटिस है आप लोगों के लिए। तैयारी में तो आप लगे हो टीआरई 3.0 के लिए, यानी तीसरे फेज की भर्ती के लिए आप लगे हो, वो अच्छी बात है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि क्या अर्जेंट नोटिस आई है और कैसे आप जो है इसे टैकल कर पाओगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो लोग भी पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है, चाहे वो नोटिफिकेशन का पीडीएफ हो या किसी रिक्रूटमेंट का पीडीएफ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो नोटिफिकेशन आई है वो देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, ये अतुल प्रसाद जी का ट्विटर हैंडल है, अतुल मेल के नाम से। यस वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन टीआरई 2.0, यानी कि हम लोग जो है काम कर रहे हैं किस पे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। यानी कि सीधा सीधा मैं अगर मैं बात बताऊं तो जो मेरिट लिस्ट है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात यहां पे की जा रही है। मेरिट लिस्ट जो है सेकेंड भी आएगा और इन्होंने कह दिया है कि मल्टीपल रिजल्ट आने की वजह से, देखिए बहुत सारे लोगों का 6 to 8 में भी जॉब हुआ है, 9 to 10 में भी जॉब हुआ है, 11 to 12 में भी जॉब हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी का हुआ है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इन लोगों का अलग अलग स्कूलों में रिक्रूटमेंट हो गया है, तो वो ऑब्वियसली बात है 11 to 12 को ज्वाइन करेगा। तो 6 to 8 और जो 9 to 10 का रिजल्ट है, ये तो 2 सीट उसके वजह से बुक हो गया है। तो ऐसे में इन जगहों पर जो है नए से रिजल्ट जारी किया जाएगा और फिर जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से जो है इन लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो तैयार रहें। और मैं आपको बता दूं, 20 जनवरी से पहले पहले तक ये रिजल्ट को जो है जारी कर दिया जाएगा, तो कट ऑफ जो है और भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।